पता है छठ आ रहा है। आपने सही सुना, बिहार झारखंड का महापर्व आ रहा है। इंतजार है नहाए खाए का, खरना की खीर रोटी और घी में तले हुए ठेकुए का, और भोजपुरी गायकों के छठ गीत का। यही इंतजार आज खत्म हो रहा है। आज नहाए खाए से महापर्व छठ शुरू हो रहा है। छठ पर्व को षष्ठी पूजा भी कहते हैं। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने जाने वाला त्यौहार हिंदू त्यौहार है, जिसे मुस्लिम और दूसरे समुदाय के लोग भी मनाते हैं। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व को ज़्यादातर बिहारी धूमधाम से मनाते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसकी परंपरा बिहार और उत्तर प्रदेश से आए कामगारों के साथ आई, जो यहाँ कोल खदानों, SECL और रेलवे में काम की तलाश में आए थे। बाद में यहाँ उनका व्यापार भी बढ़ा और यह त्यौहार और व्रती भी। अब तो SECL और कोयला के बड़े व्यापारी इस त्यौहार को फाइनेंस भी कर रहे हैं। यह त्यौहार अब त्यौहार न होकर एक बड़ा आयोजन और मेला का रूप ले लिया है। इससे आगे यह कहूँगा कि यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए एक महाआयोजन है। देश के सबसे बड़े स्थायी घाटों में से एक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बना घाट 800 मीटर लंबा है, जो अरपा नदी के किनारे राजकिशोर नगर में स्थापित है। यहाँ हर साल हजारों बल्कि लाखों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु छठ महापर्व में शामिल होने पहुँचते हैं। बिहार का यह भले ही महापर्व हो, लेकिन बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के लिए यह आस्था का अलग ही केंद्र बन चुका है। यहाँ के तोरवा पुल को रंगीन लाइटों से सजा दिया गया है। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, यह एक प्रकृति की पूजा है जिसे सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बिहार के अनुष्ठान बहुत ही कठोर हैं। यह 4 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इसमें पवित्र स्नान, उपासन और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ देना शामिल होता है। इसमें मुख्य उपासक को पर्वतिन कहा जाता है, जो आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि इस त्यौहार को बड़ी संख्या में पुरुष भी करते हैं, क्योंकि यह त्यौहार लिंग विशिष्ट नहीं है। इसे स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान सभी करते हैं। यह त्यौहार हमेशा घाट पर ही होता है, चाहे वह नदी का हो, कुएं का या तालाब का। घाट पर पर्वतीन अलग अलग तरीके से जाते हैं। इसमें पैदल चलकर, पैदल दंडवत और दंडवत, इसमें सबसे कठिन दंडवत माना जाता है। बाजे गाजे और लोकगीतों के साथ लोग घाट तक जाते हैं। के शुरुआत की एक लोक कथा के अनुसार, प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवताओं हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है।
यह पर्व कैसे मनाते हैं? यह पर्व 4 दिनों का है। भाई दूज के तीसरे दिन से यह शुरू होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल, मूंग चने की दाल, कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। नहाए खाए के नाम से इसको जाना जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती इस खाना खाते हैं। इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर और गेहूं के आटे से रोटी बनाया हुआ जाता है, जिसमें चीनी या नमक का उपयोग नहीं होता। इन दो चीज़ों के फिर से सूर्यदेव को नवेद के रूप में देकर एकांत में रहकर ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। यह षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ, चावल के लड्डू, कचवनिया, मौसमी फल को बांस की बनी टोकरी जिसे दौरा कहते हैं में रख कर घर के पुरुष शुद्धि को ध्यान में रखते हुए सिर पर उठाकर छठ घाट तक ले जाते हैं। दौरा में कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद मूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्नादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू बड़ा, दामा, शरीफा, सिंघाड़ा, मौसम्बी, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्ती व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य की पूजा के लिए पहुंचकर अपने पुरजन परिजन के साथ उपस्थित होकर नियम विधान सांध्य अर्घ की तरह ही अर्घ देते हैं। इस दौरान व्रती लोग पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे तक का व्रत रखते हैं। वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। पर छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के लिए जाते समय, अर्घ दान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर गीत इन दिनों बिहारियों के मोबाइल के कॉलर ट्यून हैं। गीतों की बात की जाए तो इनमें है किरवा जे फरी लागवद से ओहे पर सुगा मेड़ राय कांच ही पास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए सेवीले चरण तोहर छठी मैया महिमा तोहर अपार उगुना सूरज देव भैले अर्घा के बीर। ऐसे ही छठ गीत पूरे देश में अभी चल रहा है। छठ पूजा को देश के कई हिस्सों में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए उत्तर भारतीय आर्य लोगों की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में नेता इसका विरोध कर चुके हैं और कर रहे हैं। इस पर्व को एक प्रकार के शक्ति प्रदर्शन
इसका नाम दे रहे हैं। आज हम लोग छठ पूजा समिति जो है छठ घाट जो है पानी के अंदर एकदम इच्छा के अनुरूप सफाई हो चुकी है। छठ व्रतियों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पास घाट के अंदर नहीं होगा और पूरा घाट प्रांगण जो है एकदम पूर्णता की ओर है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अब यहाँ पास नहीं होने वाला है। और जहाँ तक पार्किंग की बात है, पार्किंग हमारे पास में सात पार्किंग हम लोग बना रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ बनाने के लिए आज हमारा पूरा टीम लगा हुआ है। नगर निगम की अमला भी लगा हुआ है। सभी के सहयोग से हम पूरे पार्किंग व्यवस्था को अच्छा से कर लेंगे जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था हमारा ठीक ठाक रहे। और आने वाले समय में हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि एक साल पार्किंग में एक तरह से जाम लग गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असुविधा हुई थी। उसको ध्यान में रख करके हमारे पास में 150 वॉलेंटियर हैं और 150 वॉलेंटियर छठ घाट पे ट्रैफिक व्यवस्था में और सारे क्षेत्रों में हमारे वॉलेंटियर काम करेंगे। जी हाँ, कल छठ व्रती अपने घरों में स्नान करके सादा सात्विक भोजन बनाते हैं जिसे नहा खा बोलते हैं। नहा खा में मुख्यतः रूप से हम लोग अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का उपयोग करते हैं। व्रती स्नान करते हैं, उस भोजन को बनाते हैं और उसके बाद सारे परिवार के सदस्य उसी भोजन को पाते हैं। इसे अपने आप को हम लोग शुद्ध करते हैं ताकि हम व्रत के लायक हो जाएं। और कल ही शाम को यानी 8 तारीख की शाम को हम लोग घाट का महाआरती करेंगे, अरपा जी की महाआरती करेंगे संध्या 5 बजे। और 9 तारीख को खरना होता है जिसमें व्रती सुबह से ही उपवास रहते हैं और शाम को मीठा चावल, सादा रोटी बना करके खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद सारे परिवार के लोग खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। 10 तारीख को सुबह से ही एकदम उपवास और शाम को फिर घाट पे आकर के संध्या अस्ताचल भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और 11 तारीख को सुबह का अर्घ्य दे करके पारण करेंगे अर्थात पूरे पूजा का समापन होगा। 11 को पूरा समापन होगा। जी 11 को।